आप भी देख रहे हैं अपने लिए एक ऐसी टाउनशिप जो कि रेरा अप्रूव्ड हो, हर अप्रूवल सोसाइटी के पास हो, एक अच्छी टाउनशिप हो जो कि लग्जरियस हो और सिक्योर्ड हो, तो दोस्तों आप सही जगह पे हैं। आज हम आपको ऐसे प्रोजेक्ट की रिव्यू करवाने वाले हैं जो कि नेशनल हाईवे 205 नेशनल हाईवे दिल्ली मनाली हाईवे से कनेक्टेड रहने वाला है। एजुकेशनल हब बिल्कुल नियर बाय रहने वाला, हॉस्पिटैलिटी बिल्कुल नियर बाय रहने वाली, कमर्शियल काफी बैंग ऑन हाईवे पे आपका ये प्रोजेक्ट रहने, काफी अच्छा कमर्शियल आपको यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही हमारे पास वी मार्ट, रिलायंस आपके बिल्कुल साथ ही रहने वाली है, तो आपके पास काफी अच्छा एक यहाँ पे कमर्शियल है जहाँ पे आप अपनी शॉपिंग गेट्स कर सकते हैं। शॉपिंग गेट्स काफी अच्छे हैं, स्कूल्स काफी अच्छे हैं यहाँ पे, कॉलेजेस काफी अच्छे हैं, सीसीसीसी लांड्रा कॉलेज, सीयू यूनिवर्सिटी एंड ऑल दैट, आपके पास काफी अच्छे अप्रोच यहाँ पे एजुकेशन हब की मिल जाती है, जिसके कारण की अच्छी एप्रिसिएशन एंड रेंटल इनकम आप भी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो प्रोजेक्ट रहने वाला है 7.5 एकड़ की टाउनशिप में रहने वाला है, रेरा अप्रूव रहने वाला है, 1 एकड़ का आपको ग्रीन एरिया मिलने वाला है, यहाँ पे क्लब हाउस फैसिलिटीज आपको मिलने वाली, हर मॉडर्न फैसिलिटीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मंदिर का यहाँ पे अप्रूव आपकी प्रॉपर स्पेस रहने वाली है, प्रॉपर यहाँ पे मंदिर वर्किंग में रहने वाला है। और बाकी अगर बात करूँ क्लब हाउस की, क्लब हाउस में आपको प्रॉपर एमेनिटीज आपको मिलने वाली है, ओपन जिम से लेके बेबी क्रश से लेके आपको इंटरनल शॉप्स भी आपके सोसाइटी के अंदर ही मिलने वाली है। तो आज का जो फ्लैट रहने वाला है 3 BHK रहने वाला है, हाई राइज रहने वाला है, RCC कंस्ट्रक्शन के साथ 1943 स्क्वेयर फीट का 3 BHK रहने वाला है, जिसका हम आज टूर करने वाले हैं अपने सैंपल फ्लैट का। तो आइए चलते सीधा अपने सैंपल फ्लैट की तरफ। जो कि 1943 स्क्वायर फीट का रहने वाला, जो कि काफी स्पेशियस एंड लग्जरियस टाउनशिप में रहने वाला है। हम अपने सैंपल फ्लैट में खड़े हैं, आप देख सकते हैं एंटर करते हैं हमारे पास आ जाता है काफी अच्छा फॉर एरिया आ जाता है। हाइट वाइज अगर बात करूं 8 फीट की हाइट रहने वाली है और आपका 4 फीट वाइड रहने वाला आपका रूम, और आपको प्रॉपरली गोदरेज के लॉक मिल रहे हैं जो कि प्रॉपर फिंगरप्रिंट के साथ मिल रहे हैं, पैटर्न लॉक मिल रहा है आपको, की सेट के साथ भी आपको मिलने वाला है। दिस इज आर फॉर एरिया। और इसके बाद आ जाता है एंट्रेंस पे हमारा यूटिलिटी आपका स्पेस आ जाता है, आपके लिए पूजा स्पेस आ जाता है, आप पूजा स्पेस बनाना चाहते हैं पूजा स्पेस बना सकते हैं, बाकी अगर आप अपने लिए स्टोर रूम बनाना चाहते हैं स्टोर रूम बना सकते हैं। सबसे पहले एंटर करते आ जाता है हमारे पास काफी स्पेशियस अपना लिविंग एरिया, जो कि काफी स्पेशियस रहने वाला है और अलग से रहने वाला है, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली हमारे पास यहाँ पे फ्लैट की क्वेरीज आती है कि मैम हमारा जो लिविंग एरिया हो वो अलग हो। दोस्तों ये लिविंग एरिया आपका बिल्कुल अलग रहने वाला है, मतलब आपकी जो विजिबिलिटीज है रूम्स की भी वो भी नहीं रहने वाली है, प्रॉपरली ये आपका प्राइवेसी के साथ आपका प्रॉपर लिविंग एरिया रहने वाला है। आपके घर घर गेस्ट आ रखे हैं तो उनके पास उनका अलग से स्पेस है, आपके पास मतलब एक अच्छी प्राइवेसी आपको यहाँ पे मेंटेन रहेगी। इसके साथ हमारी अटैच रहने वाली बालकनी जो कि काफी स्पेशियस रहने वाली है, बालकनी हमारी इनसाइड हमारी बालकनी रहेगी, बालकनी स्पेस प्रॉपर नेचुरल सनलाइट आपको प्रॉपर आपके पूरे के पूरे फ्लैट में आपको प्रॉपर मिलने वाली है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा डाइनिंग स्पेस, जो कि इस साइड रहने वाला हमारा डाइनिंग स्पेस आप देख सकते हैं इस साइड। दोस्तों ये रहेगा हमारा डाइनिंग स्पेस रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस रहने वाला है, और हमारा जो सैंपल फ्लैट रेडी हुआ अब माशाल्लाह काफी खूबसूरत है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि आप अपना घर कैसे डिजाइन करें, क्योंकि होम डेकोर का भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है, आप अपना होम डेकोरेशन यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी घर की सजावट यहाँ से पिक करके अपना घर सजा सकते हैं। यह हमारा डाइनिंग स्पेस रहेगा एंड दिस इज आवर मॉड्यूलर किचन, जो कि रहने वाली एल शेप में रहने वाली है। इस साइड हमारा प्रॉपर वेट एरिया रहेगा, इस साइड हमारा ड्राई एरिया रहेगा। हम जो आपको डिलीवर कर रहे हैं आपको प्रॉपरली चिमनी आपको मिल रही है और सॉफ्ट क्लोजेस आपके यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, वार्डरोब्स रहने वाले यहाँ पे आपके, जो कि आपकी स्पेस रहेंगे। और इस साइड हमारी पेंट्री रहेगी, पेंट्री के काफी अच्छा स्पेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, और इस साइड हमारी अटैच बालकनी रहेगी आपके किचन के साथ, जिससे आपके प्रॉपर नेचुरल सनलाइट एंड प्रॉपर वेंटिलेशन आपको हर पूरे के पूरे फ्लैट में मिलने वाली है। मतलब आपके पास यहाँ पे आपके किचन के साथ आपके साथ बालकनी रहने वाली है, आपके रूम के साथ लिविंग एरिया के साथ आपको प्रॉपरली बालकनी का एक्सेस मिलने वाला है, और आप अपना वॉशिंग एरिया भी वहां से मेंटेन कर सकते हो। आपके पास काफी अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। 3 बेडरूम रहेंगे 3 वॉशरूम के साथ। आइए सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं हमारा मास्टर बेडरूम।
दोस्तों ये रहेगा हमारा मास्टर बेडरूम जो कि काफी स्पेशियस रहने वाला है। किंग साइज बेड लगा हुआ है, सोफा सेट लगा हुआ है, फिर भी मूव करने के लिए काफी अच्छा स्पेस है। और आप देख सकते हैं जो हमारी फ्लोरिंग रहने वाली वुडन की रहने वाली है, और इस साइड हमारी मास्टर बेडरूम की रहने वाली उनकी प्राइवेट बालकनी जो काफी स्पेशियस रहेगी। मेश डोर आपको प्रॉपर एज इट इज रहेंगे और आपकी यूपीवीसी विंडोज रहेंगी। 90% साउंड प्रूफ आपको यहाँ पे आपकी मेश डोर्स मिल रहे हैं। और हमारी जो ड्रेसिंग रहने वाली है वो रहेगी वॉक इन में। वॉक इन में आपकी ड्रेसिंग रहेगी। यहाँ पे आपके वार्डरोब्स रहेंगे जो कि स्लाइडर के साथ रहेंगे और फुल हाइटेड रहेंगे। काफी अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। और अटैच आपको यहाँ पे आपका रहेगा वॉशरूम। ये आपका वॉशरूम रहेगा जो कि फुल हाइट आपकी टाइल्स के साथ रहेगा। सैनिटरी फिटिंग हमारी जेगुआर की रहेगी जो कि ब्रांडेड फिटिंग रहेगी। और हमारे जो स्विचेस रहने वाले हैं वो प्रॉपरली एज इट इज ही आपको मिलने वाले हैं आपके पूरे के पूरे फ्लैट में। एंड दिस इज आवर सेकेंड बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट। 3 BHK फ्लैट का ये सेकेंड बेडरूम रहेगा। इसमें भी आपको काफी अच्छा साइज मिल रहा है। किंग साइज बेड लगा हुआ है। बेड लगाने के बाद भी मूव करने के लिए काफी स्पेस रहने वाला है। और आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे वार्डरोब्स रहने वाले हैं वो प्रॉपरली स्लाइडर के साथ रहेंगे। साथ ही आपको ड्रेसिंग मिल रही है साथ में, और इसके रूम के साथ भी आपको बालकनी मिल रही है। दोस्तों इस साइड हमारी रहेगी बालकनी की स्पेस। प्रॉपर नेचुरल सनलाइट आपको पूरे के पूरे फ्लैट में, और ये जो आप बालकनी देख रहे हैं प्रॉपर वॉक इन में रहने वाली है। प्रॉपर आपके लिविंग एरिया से भी अटैच रहने वाली है ये बालकनी। और जो हमारा वॉशरूम रहेगा इस साइड रहेगा अटैच वॉशरूम। हमारे वॉशरूम में सेंसर लाइट लगी हुई है। आप जब अंदर आएंगे खुद पे खुद लाइट आपकी ऑन हो जाती है। प्रॉपर ब्रांडेड फिटिंग रहेगी। अब हम एक्सप्लोर करते हैं हमारा लास्ट बेडरूम ऑफ दिस फ्लैट जो कि हमारा फ्रंट पे ही रहने वाला है। इस साइड हमारा रहेगा थर्ड बेडरूम। आप गेस्ट बेडरूम बना सकते हैं अपना, यहाँ पे बना सकते हैं। दोस्तों इस साइड रहेगा हमारा गेस्ट बेडरूम रहेगा। यहाँ पे उनका वॉशरूम रहेगा। मतलब अगर आपके घर गेस्ट आता है तो आपके पास ये कॉमन वॉशरूम का सेट रहने वाला है। आपके लिविंग एरिया के बिल्कुल साइड हमारा रहेगा ये अपना कॉमन वॉशरूम। और दिस इज आवर गेस्ट बेडरूम। तो ये रहेगा हमारा गेस्ट बेडरूम। यहाँ पे भी आपको काफी अच्छा साइज आपको मिल रहा है आपके बेडरूम्स का। और आपको ये जो वार्डरोब्स मिल रहे हैं क्लोजेट्स में मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं ओपन अप में मिल रहे हैं। और ब्रांड्स काफी अच्छा है, ब्रांडेड फिटिंग है और काफी अच्छा सरमाए का यूज करें। मतलब ना ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज है, ना ही हमारा कोई भी मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज है। RCC कंस्ट्रक्शन हम यूज कर रहे हैं हमारे पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हमारी उनकी बालकनी रहेगी अटैच इस रूम की। प्रॉपर वेंटिलेशन एंड सनलाइट प्रॉपर मिलने वाली है आपको पूरे के पूरे फ्लैट में। आपके काफी स्पेशियस रहने वाली है आपकी बालकनी भी। दोस्तों अगर आप अपने लिए एक लग्जूरियस टाउनशिप में मॉडर्न इमेनिटीज के साथ एक अपने लिए फ्लैट प्लान कर रहे हैं 3 BHK, इस फ्लैट को जरूर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको हर अमेनिटीज मिल रही है। प्रॉपर आपको विद लिफ्ट आपको मिल रहा है। साइज काफी अच्छा है, 943 स्क्वायर फीट का ये साइज रहने वाला है 3 BHK का, जिसमें आपको हर अमेनिटीज मिल रही है। क्लब हाउस हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का रहने वाला है जो कि ऑपरेशनल होने वाला है। पीछे हमारे किड्स प्ले जोन अलग से है, अपना 1 एकड़ का ग्रीन एरिया अलग से आपको मेंटेन करके दे रहे हैं। मतलब हर चीज आपको यहाँ पे फुलफिल होती है। तो दोस्तों जरूर आप यहाँ पे आए विजिट करें हमारे साथ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।